बड़ी खबर है और आसमान से बरसी आफत की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला और जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। बादल फटने की वजह से यहां पर बाढ़ आ गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। तमाम गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है और तेज बहाव के साथ वो बहती चली गई हैं। घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, कई सड़कें बह गई हैं, संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से यहां पर हाईवे भी ठप हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल के अलावा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला में भी बादल फट गया है। यहां पर बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ है और कई पर्यटकों की गाड़ियां पानी के साथ बह चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों को अलर्ट पर रख दिया है, जबकि तटीय महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये नजारा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का है। आप देख रहे हैं कि आसमान से बरसी आफत की वजह से हालात क्या से क्या हो गए हैं, बद से बदतर हो गए हैं, सब कुछ पानी में समाता चला जा रहा है। और एसोसिएट एडिटर विशाल इंग्लिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आसमान से जो आफत बरस रही है उसके बाद लोगों की जान अटक गई है। यहाँ तस्वीरें जो देख रहे हैं, भयानक मंजर है, सब कुछ बह रहा है, घर गाड़ी सब कुछ। देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मौसम की पहली जो बारिश होगी उससे इतनी तबाही मचेगी, क्योंकि हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया था और पर्यटकों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आप पर ज्यादा घूमने, फिर हिमाचल में इस समय लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंचे हुए हैं अलग अलग पर्यटक स्थलों के ऊपर। और यही हाल धर्मशाला का भी था कि जहां पर भागसू नाग एक जगह है जहां पर बादल फटा है और फटने के, क्योंकि जो रास्ता था पानी के भाव का तो वो बहुत ही संकरा रास्ता था, तंग रास्ता था, और तंग रास्ते से जो पानी का भाव था आप विजुअल में भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से। बिल्कुल विशाल, एक मिनट रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, बाढ़ आ गई है। इतनी बारिश और पहली बारिश आप देख रहे हैं, अभी तो बारिश और होनी है, उसके बाद क्या हाल होगा ये देखिए। ये गाड़ियां दरअसल साइड में खड़ी हुई थी, पानी का बहाव तेज था और ये गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहती चली। ये देखिए, ये गाड़ी आप पानी में ऐसे लग रहा है मानो ये खिलौना है। ये बड़ी सी गाड़ी है जो खिलौने की तरह बहती चली जा रही है और यहाँ पर ऐसे ही कई गाड़ियां आपस में टकराती हैं। इसके अलावा जितने भी आसपास घर बने हुए हैं इसमें जो लोग हैं इस वक्त भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहली मंजिल पर देखेंगे तो लोगों की सांसें थमी हुई है, लोग कैमरे में जरूर कैद कर रहे हैं, लेकिन ये आफत कितनी आगे बढ़ेगी किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन खौफनाक ये मंजर है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लंबी लाइन है गाड़ियों की, यहाँ पर ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, किसी को भी भनक नहीं थी कि इस तरीके से बादल फटेगा या बारिश की वजह से इस तरीके से बाढ़ आ जाएगी और उनका सब कुछ बहते हुए चला जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि तो शुरुआती बारिश है, उसके बाद हालात क्या होंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि मौसम विभाग से बात करते हुए आगे खतरा कितना है उसके हिसाब से यहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जाए, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। हालांकि अभी जान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन माल का नुकसान कितना हो रहा है वो तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। दरअसल ये गाड़ियां पर्यटकों की बताई जा रही हैं जो इस वक्त इस बाढ़ के पानी में बह रही हैं। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फट गया अचानक और उसके बाद ये मलबा, ये पानी रिहायशी इलाके में आया है। एक जैसे ही वहां पर ये मलबा आया, जैसे ही बादल फटा, जैसे ये खतरा वहां पर आया, लोग भाग खड़े हुए, जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है। लेकिन कितना कुछ बह गया है इसका तो आकलन बाद में होगा, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त विशाल बहुत ज्यादा डरा रही हैं। और विशाल, कोई मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है आपके पास, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही, जैसा मैंने पहले बताया कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है हिमाचल के लिए कि जहां पर भारी बारिश हो सकती है, और इसीलिए पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि ये मानसून की पहली बारिश हो सकती है और पहली बारिश इतनी भयंकर होगी। ये अभी तक धर्मशाला के जहाँ पर पर्यटक पहुंचे हुए थे, जहाँ स्थानीय लोग थे, उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि एकदम से सुबह सुबह ही बादल फट जाएगा और एक भयानक मंजर उनको दिखाई देगा। और विजुअल में भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बहुत तेजी के साथ पानी आगे बढ़ता चला जा रहा है और जो भी चीज रास्ते में आ रही है, चाहे वो कारें आ रही हैं, चाहे
स्कूटर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, सभी को भागकर साथ में लेता हुआ जा रहा है। और ये अभी तक लोगों की सोच से बाहर था कि जहां पर भागसू नाग, क्योंकि काफी विशाल आप सही कह रहे हैं, चारों तरफ चीख पुकार है, घरों में मलबा घुस चुका है, सड़क पर गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं।